ईडन गार्डन स्टेडियम कम और बॉलर्स के लिए ग्रेवियार्ड ज्यादा लगता है। कोलकाता कहती है बट ओनली इन वन इनिंग्स इज साइलेंट। बोलर्स मिचेल स्टार्क को काफी मिस कर रहे थे, लेकिन अगर ऐसा ही था तो सभी बोलर्स को एक साथ मिस करने की क्या जरूरत थी। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन टुडेज मैच, बिकॉज़ टुडे इट्स ऑल अबाउट कोलकाता वर्सेस दिल्ली। इज कोलकाता बिकमिंग द न्यू बैंगलोर? कुछ भी, पिछले मैच में 250 रन स्कोर करने के बाद भी वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्पोजन में अभी हैं। और पंजाब ने अब तक का सबसे हाईएस्ट T20 स्कोर चेस किया। कोलकाता की बॉलिंग में से अगर हम सुनील नारायण का स्पेल निकाल दें तो किसी भी और बॉलर की इकोनॉमी 13 से कम नहीं है। टोटल 24 सिक्सेस पड़े हैं कोलकाता के बॉलर्स को, विच इज हाईएस्ट एवर फॉर वन इनिंग। यहां दिल्ली के पास एक बहुत अच्छा मौका है जीतने का, क्योंकि ये मैच होने वाला है ईडन गार्डन्स में, और ईडन गार्डन्स में कोलकाता लगातार हारती ही आ रही है। So what do you think? क्या आपको लगता है कि दिल्ली जीत जाएगी? अगर आपको लगता है दिल्ली ये मैच जीत जाएगी, select yes. But if you think दिल्ली will lose, select no. कोलकाता न्यू बैंगलोर नहीं, बैंगलोर प्रो मैक्स है। बैंगलोर तो 200 रन बना के हारती है, ये तो 250 प्लस बना के हार गई। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इस सीजन सबने सुनील नारायण की बैटिंग देखी है, बोलिंग तो हम हर सीजन में देखते हैं। ये इकलौते ऐसे प्लेयर है जो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों ही जीत सकते हैं। अब लास्ट मैचेस में कोलकाता 200 और 250 रन भी डिफेंड नहीं कर पाया, इसीलिए अब कोलकाता को सुनील नारायण की एज अ बॉलर ज्यादा जरूरत है। इवन लास्ट मैच में ही बोल्ड 4 ओवर्स एंड 24 रन देकर एक विकेट भी मिला। दिल्ली के सामने सुनील को बॉलिंग में और जोर लगाना पड़ेगा। डू यू थिंक सुनील नारायण विल बी एबल टू टेक 3 और मोर देन 3 विकेट्स इन दिस पर्टिकुलर मैच? अगर आपको लगता है वो 3 या 3 से ज्यादा विकेट ले लेंगे, सिलेक्ट यस। बट इफ यू थिंक वो नहीं ले पाएंगे, सिलेक्ट नो। सुनील नारायण बी लाइक, रन मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, सारे काम मैं ही करूं। कोलकाता के पास सुनील नारायण के अलावा एक और बहुत बढ़िया प्लेयर है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को रिसेंटली विराट कोहली का बैट भी मिला, लेकिन फायदा क्या, उनकी बैटिंग तो आती नहीं है। लास्ट सीजन कोलकाता के लिए 474 रन स्कोर किए इन्होंने एट एन एवरेज ऑफ 59.25। रिंकू सिंह को इंडिया का नेक्स्ट फिनिशर माना जाता है, लेकिन इस सीजन में तो उन्हें अच्छे से खेलने का मौका ही नहीं मिलता है, उनको बुलाया ही इतना लेट जाता है। इन द 9 मैचेस दैट हैव हैपेंड सो फार, वो सिर्फ 112 रन स्कोर कर पाए विद द हाईएस्ट ऑफ 26। अगर उन्हें बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर लाया जाए तो शायद पिछले साल वाला परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बट व्हाट डू यू थिंक, इस मैच में रिंकू सिंह अपना जादू चलाएंगे? क्या वो 50 या 50 से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे? इफ यू थिंक वो कर लेंगे, सिलेक्ट यस। बट इफ यू थिंक उनका फॉर्म इतना बढ़िया नहीं है, खेलने का अच्छा मौका नहीं मिल रहा है, नहीं कर पाएंगे, सिलेक्ट नो। देखा जाए तो कितने भी रन बना ले, कोई भी टीम ईडन गार्डन्स में सेफ नहीं है, इसीलिए रिंकू सिंह को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजना ही पड़ेगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। Now let's talk about our favorite segment of the show, and that is talking about the power player. Power player we believe in this particular match is going to be Akshar Patel. Bye bye. अक्षर पटेल 2019 से अपनी बॉलिंग इकोनॉमी को 7 के आसपास मेंटेन किए हुए हैं। इस बार भी उनकी बॉलिंग इकोनॉमी 7.5 से नीचे ही है। गुजरात वर्सेस दिल्ली का जब मैच हुआ था तब उनको 1 डाउन पे भेजा था एंड ही स्कोर्ड 66 रन्स, व्हिच वाज अ वेरी सक्सेसफुल मूव। दिस वाज आवर क्रिकेट इनसाइट, एंड इफ यू थिंक यू नो क्रिकेट इन एंड आउट और आपकी भी क्रिकेट इनसाइट काफी पावरफुल है तो उसे ऐसे ही वेस्ट मत करो, जाओ और एमपीएल ओपिनियन पे टेस्ट करो।